नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, या क्लास रेप्टिलिया। देखिए, क्लास रेप्टिलिया के बारे में आज हम लोग अच्छे से जानेंगे पूरा इस वीडियो में, और आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा बहुत ही उपयोगी है ये लेक्चर आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ दोस्तों, देखिए क्लास रेप्टिलिया का ये लेक्चर आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखिए, इसमें समझने पहले जा तो ये जानेंगे कि क्लास रेप्टिलिया है क्या। क्लास रेप्टिलिया को हिंदी में सरीसृप भी कहते हैं, ठीक है। क्लास रेप्टिलिया को हिंदी में सरीसृप भी कहते हैं। यह ऐसे जीव हैं जो कि निश्चित रूप से एम्फीबियंस, जो उभयचर हैं, उनसे थोड़ा सा एडवांस करेक्टर इनके अंदर आ चुका है। क्यों आ चुका है? ये इवोल्यूशनरी मतलब एडाप्टेशन है। अगर यहाँ जीवन जीना है तो कुछ न कुछ नया अचीव करेंगे। जैसे आपको ही अगर यहाँ इस दुनिया में एग्जिस्टेंस बनाए रखना है तो कुछ नया अचीव करने के लिए कुछ नई अपने अंदर डेवलपमेंट या एडाप्टेशन लानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास रेप्टिलिया टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये जो क्लास है ये टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ एनिमल्स मतलब जो ऐसे जीव इसमें पाए जाते हैं, ऐसे जीवों का यह समूह है जो स्थलचर हैं, स्थली हैं, स्थल पर पाए जाने वाले हैं। ये टेरेस्ट्रियल, ये लैटिन भाषा का शब्द है। रेप्टिलिया जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन में रेप्टम शब्द से यह इसका उत्पत्ति हुई है, और इसका मतलब है टू क्रीप मतलब रेंगना, जमीन पर रेंगना। जैसे छिपकली वगैरह देखे होंगे आप लोग, रेंगती है ना धीरे धीरे दीवार पे, ठीक उसी तरह इसका। ये देखिए क्रीपिंग एनिमल्स आगे दिया है, क्रीपिंग एनिमल्स आर क्राउलिंग मतलब रेंगते हैं। ये ऐसे एनिमल हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज 7000 लिविंग, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इस क्लास में 7000 के आसपास हैं जो कि लिविंग हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इससे। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी मतलब सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं। रेप्टिलिया इज द फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। वही कह रहा है कि ये पहले स्थलचर जीव हैं, स्थलीय जीव हैं। रेप्टाइल्स आर द ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। कहने का मतलब यह है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई, इनके जो पूर्वज थे, इनमें जो विकास आया वो कहाँ से आया, किस युग में आया, तो ये बता रहे हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा मतलब पैलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई, ये ओरिजिनेट हुई, ये धरती पर आए। चलिए अगले बिंदु की ओर, ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। हाँ दोस्तों, अगला बिंदु ये बता रहा है कि मीसोजोइक एरा इज कॉल्ड एज एज ऑफ रेप्टाइल्स। मतलब क्या है? मीसोजोइक एरा जो है ये रेप्टाइल्स का युग है। ये कह रहे हैं मीसोजोइक एरा जो है वो रेप्टाइल्स का युग है, ठीक है। अगला बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स मतलब जो इनका शरीर है वो चार भागों में बटा होता है। चार भाग कौन कौन से हैं? हेड, सिर, नेक, गर्दन, ट्रंक एंड टेल। मतलब हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, टोटल चार पार्ट्स में इनकी बॉडी, पूरी बॉडी डिवाइड होती है, विभाजित होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रंक इज विथ टू पेयर ऑफ लिम्ब्स। इनका जो पैर होता है वो क्या होता है? पेंटाडेक्टाइल इन नेचर होता है। और कितना होता है? ट्रंक रीजन में लगा होता है दो पेयर, यानी चार, टोटल फोर इन नंबर एंड टू पेयर लिम्ब्स, ठीक है। देखिए वन पेयर फोर लिम्ब, एक जोड़ा जो होता है इधर फोर लिम्ब अग्रपाद, दूसरा जोड़ा जो है ये आपका सामने है ये हाइंड लिम्ब मतलब इधर पश्चपाद,
पिछले रीजन में ट्रंक के पिछले हिस्से में जो लगा रहता है उसको हाइंड लिंब कहते हैं। जो अग्रपाद जो है वो ट्रंक के अगले हिस्से पर लगा होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों में है, ऐसे लेट जाएं तो क्या होगा, ये हमारा पैर बन जाएगा, ये भी पैर है ही है, ठीक। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। और ये इनका पैर जो होता है वो पेंटाडक्टाइलस इन नेचर होता है, पंचांगुली, पांच उंगलियां इस तरह से, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर ध्यान दें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह पॉइंट। देखिए, फ्यू लिजार्ड्स एंड ऑल स्नेक्स आर लिम्सलेस, मतलब यह हुआ कि कुछ जो हैं छिपकलियाँ, जो छिपकली होती हैं लिजार्ड्स, इनका ग्रुप है, उनमें कुछ में एब्सेंट होता है क्या, पैर, यानी इनमें पैर नहीं पाया जाता, और सभी सर्पों में पैर नहीं होता, ये क्या होते हैं, लिम्बलेस होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ छिपकलियाँ और सभी सर्पों में लिम्स एब्सेंट होता है, यानी पैर नहीं होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लिम्बलेस लिजार्ड्स आर, हाँ देखिए यह पॉइंट बता रहा है कितनी ऐसी छिपकलियाँ हैं जिनमें पैर नहीं होते हैं, यानी पाद नहीं होते, यानी लिम्स नहीं होते, लिम्बलेस होता है। लिम्स आर एब्सेंट इन लिजार्ड्स। ऑफिसोरस पहला जेनरा है, ऑफिसोरस, दूसरा है एंगोइस, तीसरा है राइन्यूरा। ऑफिसोरस, एंगोइस, राइन्यूरा, तीन हैं। और अपने भारत में जो पाई जाती है वो है बरकुड़िया, ये बरकुड़िया नाम की छिपकली है, समझ रहे हैं ना, आसपास नहीं, वो साउथ इंडिया में है, यहाँ हमारे पास नहीं है बरकुड़िया, वो क्या होती है, वो भी लिम्बलेस है, ठीक। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये बता रहा है एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ एपिडर्मल स्केल्स, मतलब इनका जो एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है, जो इनका बाह्य कंकाल जो है शरीर के बाहरी उस पर, वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एपिडर्मल स्केल, एपिडर्मल स्केल के फॉर्म में होता है, क्ला के फॉर्म में पाया जाता है, कारापेस और स्क्यूट्स, ये सब स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके बॉडी पर पाए जाते हैं अलग अलग एडाप्टेशन के लिए, अलग अलग इनका कार्य है, कोई रक्षात्मक है, कोई चलने में सहायक है ना, ठीक है। इस तरह कारापेस हो गया, स्क्यूट्स हो गया, क्ला हो गया और एपिडर्मल जो स्केल है, और ये कैसे नेचर में कैसे होते हैं, एपिडर्मल होते हैं, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, मतलब इनकी एपिडर्मिस से ही ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है, एपिडर्मल डेरिवेटिव होते हैं। दूसरा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एंडोस्केलेटन इज मोस्टली बोनी, मतलब अंतः कंकाल इनका जो होता है वो क्या होता है, बोनी होता है, मतलब अस्थिमय होता है, अस्थियुक्त होता है, इनके अंदर जैसे हम लोगों में हड्डियाँ पाई जाती हैं वैसे इनका भी कंकाल, जो अंतः कंकाल बना हुआ है वो कैसा है, वो बोनी है, अस्थिमय है, ठीक है, अस्थि इसमें पाई जाती हैं अंतः कंकाल में। और अगला पॉइंट, ओनली वन ऑक्सीपिटल कंडाइल इज प्रेजेंट इन द स्कल, कहने का मतलब याद आ गया होगा, जैसा कि बताया गया था कंडाइल, ऑक्सीपिटल कंडाइल, ऑक्सीपिटल कंडाइल क्या है, ये हमारी खोपड़ी में पाया जाता है गड्ढा, जहाँ से हमारी वर्टिब्री फिट होती है खोपड़ी में, ठीक है, ये ऐसे थोड़ी रखा है, नट बोल्ट नहीं लगा है इसमें, ऐसे रखा है, खांच में फंसा है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें मोनोकंडाइल कंडीशन, मतलब मोनोकंडाइलिक स्कल पाया जाता है, जैसा कि देखिए ओनली वन ऑक्सीपिटल कंडाइल इज प्रेजेंट, इस तरह की खोपड़ी को क्या कहते हैं, मोनोकंडाइलिक स्कल कहते हैं, मोनोकंडाइलिक स्कल कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, वन ऑक्सीपिटल कंडाइल पाया जाता है और ये मोनोकंडाइलिक स्कल होते हैं इनके अंदर जो पाए जाते हैं, इनकी खोपड़ी जो होती है मोनोकंडाइलिक होती है। अगला बिंदु क्या कह रहा है, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्केल, इनके इपिडर्मिस पे जैसे बताया गया है कि इपिडर्मल स्केल्स पाई जाती हैं, इपिडर्मिस से ये ओरिजिनेट होती हैं स्केल्स, तो ये उसी के कारण खुरदुरी हो जाती हैं, उसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी, चिकनी सतह नहीं है, जैसे समझ रहे हो ना, उस तरह का नहीं है, ये क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, भद्दा, खुरदुरा, ठीक है, इनके अंदर इनका स्किन जो होता है वो
बिना ग्लैंड के होता है, कोई ऐसी ग्रंथि नहीं होती जो इनको फेयर एंड लवली प्रोवाइड करा दे और इनका स्किन जो है कैसा हो जाए, मस्त जैसे हम लोगों का हो जाता है, फेयर एंड लवली लगा लिए, कोई और क्रीम लगा कर चल दिए घूमने टनाटन है, तो ऐसा इनके अंदर नहीं होता। बेचारे बड़े ही गरीब टाइप के हैं, भगवान ने इनके साथ बड़ी जाति की है, जातीयता कर दी, देखिए विदाउट ग्लैंड, विदाउट ग्लैंड कर दिया इनको, नहीं ये भी सुंदर स्वच्छ आराम से सिविल लाइन्स में घूमते, ठीक है। चलिए अगला बिंदु कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट वो ओपन सीन क्लोएका, मतलब कह रहा है कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कम्प्लीट होता है, और कहाँ खुलती है, इसका जो ओपनिंग होता है वो क्लोएका में होता है, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर दांत कैसे पाए जाते हैं, अगला बिंदु जो है वो दांत के बारे में दिया है, टीथ आर एक्रोडांट थीकोडांट एंड प्लूरोडांट, ध्यान दीजिए इस तरह के मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, टीथ एक्रोडांट थीकोडांट और प्लूरोडांट टाइप के होते हैं, और इनका एक ख़तरनाक स्ट्रक्चर है ये प्रक्रिया बहुत डेंजरस है, इनकी जीभ लपलपा के बाहर आती है, जैसे कहीं खुराफात किए कुछ तो तुरंत ये टनाटन जीभ बाहर निकाल के है कर देते हैं, ठीक है, कैसे कर देते हैं ना, देखे हो ना सांपों कैसे दौड़ता है पीछे पीछे, जीभ तुरंत निकालता है, ये प्रोट्रूसिबल, इस तरह की जीभ कैसी होती है, प्रोट्रूसिबल टंग होती है जो आपका विरोध कर सकती है, आप इसके साथ किसी तरह की छेड़खानी करेंगे तो ये जीभ से आपका विरोध कर देंगे, और उसके अंदर फिर उनके अंदर बहुत मशीनरी है जीभ में, हाँ खतरनाक खतरनाक पॉइजन है, फिर सीधे नानी याद करा देते हैं जो इनसे पाला पड़ेगा किसी का, तो ठीक है। अगला बिंदु क्या है, रेस्पिरेशन थ्रो लंग्स मतलब यह है इनका जो श्वसन की क्रिया होती है, इनकी श्वसन की क्रिया किस तरह होती है, लंग्स के द्वारा यानी फेफड़ों के द्वारा, थोड़ा सा एडवांस हैं ये, एम्फीबिया से एडवांस हो गए हैं, यहाँ आ गए हैं लैंड कंडीशन पे मोस्टली आ गए हैं, तो क्या है लंग्स के द्वारा इनका रेस्पिरेशन होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा भी पिछड़ापन बना हुआ है, जैसे आज भी बना हुआ है हम लोगों के बीच में भी कुछ पिछड़े लोग हैं, उस तरह ये पिछड़ापन बना हुआ है, चेलोनिया कैन रिस्पायर थ्रो देयर क्लोएका, ये इम्पॉर्टेंट करेक्टर है और एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लोएका के द्वारा रेस्पिरेशन कौन सा आर्डर करता है इनका, चेलोनिया, जिसमें क्या होते हैं कछुए जो आते हैं, टार्टवाइज टर्टल्स ये सब ना, ट्रायोनिक्स वगैरह जो भी आते हैं, ये चेलोनिया आर्डर है इनके, उनमें क्लोएकल रेस्पिरेशन पाया जाता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अगला बिंदु देखिए, इन रेप्टिलिया हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, ठीक है, या पार्शियली फोर चैम्बर्ड आर थ्री हाफ चैम्बर्ड, मतलब यह है कहने का भी इनका विकास जो है हार्ट का वो नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, हम लोगों की तरह पूर्ण विकसित हार्ट इनमें नहीं है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट का देखिए कैसे हार्ट है थ्री चैम्बर्ड, ये पार्शियली फोर चैम्बर्ड मतलब अभी पूर्णतः डेवलपमेंट नहीं हुआ, अधूरा है, चौथा चैम्बर जो डेवलप होना है वो नहीं हुआ है, कुल मिलाकर कहें तो साढ़े तीन चैम्बर, थ्री एंड हाफ ये चैम्बर इनका बना हुआ है अभी। अगला पॉइंट अब देखिए, पुनः एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के सामने आया है, ये कह रहा है हार्ट इज फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, मतलब यह है कि अभी देखिए एडवांसमेंट इनका बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये हमारे करीब आ रहे हैं यानी अपने अगले क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब अपने एंसेस्ट्री को छोड़ रहे हैं, नए कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर का जो ग्रुप है जो आर्डर है उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट हो चुका है, मतलब ये है कि ये डेवलपमेंट इनका हो चुका है, चौथा चैम्बर इनके हृदय में बन चुका है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट, किडनी आर मेटानेफ्रिक, ध्यान दीजिए यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किडनी कैसी है इनकी, मेटानेफ्रिक है, कैसी है मेटानेफ्रिक, ये देखिए मेटानेफ्रिक टाइप किडनी पाई जाती है, और इनका जो वेस्ट मटेरियल है, इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसा है,
यूरिक एसिड के फॉर्म में है, यानी इस तरह का एक्सक्रीशन जो होगा, इस तरह का एक्सक्रीशन क्या कहलाता है, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। ये कैसे हैं, यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन ये करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो इनका है यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्रैनियल नर्व्स, इनके जो खोपड़ी में क्रैनियल नर्व्स हैं वो कितनी हैं, 12 जोड़ी, टोटल 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं। कितनी, 12 जोड़ी, और 24 टोटल, अगर नंबर की बात करें तो 24 भाई जोड़ा इसका बना हुआ है, तो एक में दो, 12 दूना 24, 24 हुआ। लेकिन एक खास बात यहाँ है, स्नेक्स में क्या हो जाता है, 10 पेयर, क्या हो जाता है, स्नेक्स में केवल 10 ही पेयर अभी बनी हुई हैं, यानी सर्पों में क्या होता है, क्रैनियल नर्व्स केवल 10 पेयर बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ एडवांसमेंट हुआ, 12 पेयर बन चुकी हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट अगला बिंदु, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी ये जैकॉब्सन्स आर्गन इन द रूप ऑफ बकल कैविटी, कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैकॉब्सन्स आर्गन इनके बकल कैविटी के छत पे, यानी इस तरफ, हाँ, इनके बकल कैविटी के छत की तरफ एक ऑर्गन पाया जाता है जो जैकॉब्सन्स आर्गन नाम से जाना जाता है। ये किससे कंसर्न है, ये किससे कंसर्न है, ये कंसर्न है स्मेलिंग से, सूंघने से, ऑल्फैक्टरी इन नेचर है। और देखिए किस में पाया जाता है, वेल डेवलप्ड, ये स्नेक्स और लिजार्ड्स में, छिपकली और सर्पों वाले ग्रुप में ये वेल डेवलप हो जाता है, सूंघने की क्षमता उनकी, स्मेलिंग जो पकड़ने की क्षमता है वो बहुत तेज हो जाती है। यहाँ देखिए सेक्सेस आर सेपरेट, अगला पॉइंट कह रहा है, मेल फीमेल अलग अलग, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन जो होता है वो बाह्य होता है, कैसा होता है, बाह्य, निषेचन बाह्य होता है, बाहर होता है। रेप्टाइल्स आर मोस्टली ओविपेरस, रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, अगला बिंदु बता रहा है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं ओविपेरस, ओवी मतलब अंडे देने वाले, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बच्चे नहीं पैदा करते हैं, एडवांस करेक्टर अभी नहीं आया है। एग्स आर माइक्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल, देखिए इम्पॉर्टेंट है, एग्स कैसे होते हैं यानी अंडे इनके कैसे होते हैं, माइक्रोलेसिथल। अगर बात करें अमाउंट, अमाउंट ऑफ याक, इनके अंदर जो याक होता है उसके अमाउंट पे अगर हम बात करें तो ये कैसे अंडे होंगे, माइक्रोलेसिथल, यानी ज़्यादातर याक इसमें पाया जाता है, ठीक है। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करें, याक के डिस्ट्रीब्यूशन पे, देखिए यहाँ कह रहा है टीलोलेसिथल, इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे इनका अंडों का वो किया जाए तो ये कैसे अंडे होते हैं, टीलोलेसिथल। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे योक जो पाया जाता है, पीला पीला, खाए होंगे अंडा, उसमें पीला पीला होता है ना उबालने के बाद, बचा रहता है जो खाते हो, वो मज़ा आता है, वही चीज़ है योक, वही क्या है वो, अगर अमाउंट के आधार पर इनके अंडों का डिस्ट्रीब्यूशन वो करेंगे तो ये माइक्रोलेसिथल, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ याक के आधार पर करेंगे तो ये कैसे अंडे हैं, टीलोलेसिथल, देखिए टीलोलेसिथल, ठीक है। और एक भयानक और यूनिक स्ट्रक्चर फिर आ गया, ये है मेल्स विथ डबल पेनिस, मेल्स विथ डबल पेनिस, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए आ गया आपके सामने अगला पॉइंट उपस्थित, क्या कह रहा है, क्लीवेज इज मेरोब्लास्टिक, क्लीवेज कैसा है, मेरोब्लास्टिक टाइप का, माइक्रोलेसिथल एग है तो क्लीवेज जो होगा वो मेरोब्लास्टिक ही होगा, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वल फॉर्म, डायरेक्ट का मतलब कोई लार्वल स्टेज इनके जीवन काल में नहीं पाई जाती, इनके विकास में, इनके जीवन के विकास में कोई लार्वल स्टेज नहीं है, इनका डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो मेटामॉर्फोसिस, जब लार्वल स्टेज नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस भी नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एमनियोटा ग्रुप, एमनियोटा में भी इनको रखा जाता है, अगर इसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हो तो एमनियोट्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगला नो पेरेंटल केयर, यानी इनमें जो पेरेंटल केयर है, देख रेख की जो इनका जो देख रेख का
स्वभाव है वो इनके अंदर अनुपस्थित पाया जाता है, अपने बच्चे का ख्याल बहुत विशेष नहीं रखते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड बताया गया था। कोल्ड ब्लडेड आर पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड आर पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, इनका मतलब यह हुआ कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, उनके अनुसार इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ठीक है, इनका जो रेगुलेट होता है बॉडी टेम्परेचर वो इनके सराउंडिंग, जिस वातावरण में ये रहते हैं उसके अनुसार ही इनका बॉडी का टेम्परेचर, शरीर का ताप जो है वो बदलता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर ठंडी आई तो ठंडा, गर्म हुआ तो गर्म, जो भी इनका एनवायरनमेंट जैसा कहेगा उस हिसाब से रेगुलेशन इनके उसमें होता है बॉडी टेम्परेचर में। ठीक है, इस पॉइंट की ओर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ स्नेक्स। क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज ऑफियोलॉजी सरपेंटोलॉजी। मतलब यह है कि जो जिस शाखा के अंतर्गत या जिस विभाग के अंतर्गत हम स्नेक का यानी सर्पों का अध्ययन करते हैं वो किस नाम से जाना जाता है, ऑफियोलॉजी या सरपेंटोलॉजी। मतलब इनका जो अध्ययन होता है वो ऑफियोलॉजी या सरपेंटोलॉजी के अंतर्गत होता है, या यूं कहें कि सर्पों का अध्ययन को ऑफियोलॉजी या सरपेंटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला बिंदु स्टडी ऑफ लिजार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्टडी ऑफ लिजार्ड इज नोन एज साउरोलॉजी। यहाँ ऑफियोलॉजी, ये साउरोलॉजी, ये सब जो इनका नाम पड़ा है इनके आर्डर से पड़ा है। ठीक है, इनका जो आर्डर है, इनकी जो ग्रुपिंग हुई है क्लासिफिकेशन जो इनका स्थान है उसी आधार पर इनके स्टडी का भी नामकरण किया गया है कि इसके अंतर्गत इनकी स्टडी होती है। तो लिजार्ड्स की स्टडी को साउरोलॉजी और स्नेक्स की स्टडी को ऑफियोलॉजी या सरपेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला बिंदु क्या कहला है, हेलोडर्मा सस्पेक्टम इज द ओनली पॉइजनस लिजार्ड इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब यह है कि बेचारी यही इकलौती ऐसी छिपकली बची है जो खतरनाक है, पॉइजनस है, इनकी तरह ये पॉइजनस है, पूरे विश्व की इकलौती है ये हेलोडर्मा सस्पेक्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली पॉइजनस लिजार्ड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की केवल एकमात्र बची हुई जो है वो पॉइजनस छिपकली है। ठीक है, अगला बिंदु आर्डर रिंकोसिफेलिया, ये एक आर्डर है इनके क्लासिफिकेशन में। आर्डर रिंकोसिफेलिया इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स एक्सेप्ट स्फेनोडॉन। मतलब कहने का यह है कि आर्डर रिंकोसिफेलिया जो है वो क्या है, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स का आर्डर है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है, स्फिनोडॉन जो है वो इकलौती इसकी रिप्रेजेंटेटिव है, यही इकलौती इस क्लास आर्डर की रिप्रेजेंटेटिव है। स्फिनोडॉन आल्सो कॉल्ड एज टुआटारा इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में यह संरक्षित है, क्या है, संरक्षित है, वहाँ की मेहमान बन चुकी है, इसको टुआटारा के नाम से भी जानते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें है जो ये लिविंग फॉसिल है, मतलब कहने का मतलब जीवित जीवाश्म है, ये जी रहा है जीवाश्म, यानी रिटेंशन किया हुआ है पुराने कैरेक्टर्स को और नए कैरेक्टर्स को भी इन्होंने धारित कर रखा है। पुराने कैरेक्टर्स मतलब लिविंग फॉसिल इसीलिए कहा जाता है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जातियाँ उनको भी ये धारित करके अभी जिंदा है, इसलिए लिविंग फॉसिल कही जा रही है। स्फिनोडॉन इज आल्सो नोन एज टुआटारा एंड इट इज आल्सो ए लिविंग फॉसिल। ये न्यूजीलैंड की टुआटारा है। आईलिड्स आर अब्सेंट इन स्नेक्स। स्नेक्स में आईलिड्स अब्सेंट हैं। ठीक है, टंग इज बाइफिड, और सांप में जो जीभ है इनकी कैसी है, बाइफिड, ये लाइक दिस, ये बाइफिड, देखा होगा कभी सांप देखेंगे तो उसमें ये लिपलपाती रहती है, लप लप बाहर निकालता है, इसी से कहानी बना देता है ना, बाइफिड, ये टर्म है बाइफिड, मतलब दो तरह से बना हुआ जीभ जो है इनकी दो भागों में इस तरह बनी हुई है, बाइफर्केट या बाइफिड। ठीक है, पॉइजन ग्लैंड्स आर फाउंड इन पॉइजनस स्नेक। अब जाहिर सी बात है पॉइजनस स्नेक है तो उसमें पॉइजन ग्लैंड पाई जाएगी, तभी तो पॉइजनस है, तभी तो पॉइजन देगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है,
दीज पॉइजन ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं सांपों में वो क्या हैं, सलाइवरी ग्लैंड, कैसी मॉडिफाइड हो गई हैं ये पॉइजन को स्टोर करके उनको डिलीवर करने के लिए। मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां ही हैं लेकिन ये मॉडिफिकेशन आ गया है इनके अंदर और ये पॉइजन ग्लैंड्स के नाम से जानी जाने लगी सर्पों में। ठीक है, चलिए आगे। अगला पॉइंट ये है, टिम्पैनियम एंड मिडिल ईयर आर एब्सेंट इन स्नेक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, टिम्पैनियम जो टोड और मेढक में था यहाँ अनुपस्थित है और मिडिल ईयर भी यहाँ अनुपस्थित हो चुका है। ठीक, स्नेक्स आर मोस्टली ओवीपायरस। कैसे होते हैं ओवीपायरस, स्नेक्स भी जो हैं वो ओवीपायरस हैं मोस्टली। ठीक है, अंडे देने वाले। और यहाँ अपवाद फिर बन गया, हाइड्रोफिस एंड वाइपर ड्रायोफिस स्नेक्स आर वीवीपायरस, ये बच्चे देते हैं। ये इस बिंदु को नकार दिए कि हम भैया अंडा नहीं देंगे, हम बच्चा देंगे। ठीक है, तो यहाँ मामला बिगड़ गया, ये अलग हो गए। पॉइजन ऑफ स्नेक इज कॉल्ड एज वेनम, मतलब स्नेक का जो पॉइजन होगा जहर होगा वो क्या कहलाता है, वेनम कहलाता है। ठीक है, ये वेनम। कोबरा एंड क्रैत आर न्यूरोटॉक्सिक, अर्थात कोबरा और क्रैत जो हैं ये पॉइजनस तो हैं ही हैं लेकिन इनका जो वेनम है वो किस पे असर करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है या कैप्चर करता है और उसको ख़त्म करने के लिए इनका जो पॉइजन है वो खतरनाक है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, न्यूरोटॉक्सिक होता है, इम्पॉर्टेंट है। और वाइपर का जो होता है वो कैसा है, हीमोटॉक्सिक। देखिए सामने है दोनों बिंदु, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। कोबरा और क्रैत का कैसा है, न्यूरोटॉक्सिक। वाइपर का कैसा है, हीमोटॉक्सिक। पाइथन इज़ द लार्जेस्ट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पाइथन इज द लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक। मतलब यह है कि जो अजगर के नाम से भी जाना जाता है वो क्या है, लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक है, लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, पॉइजनस स्नेक्स आर, यहाँ कुछ पॉइजनस स्नेक्स दे रखा है, देखिए इसको ही देख लेते हैं। पॉइजनस स्नेक की लिस्ट बनी हुई है और सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पहचान बना लीजिए इससे। कोबरा ये पॉइजनस स्नेक और ख़तरनाक भी है इंडिया में, डेडली, मतलब इंडिया का सबसे ख़तरनाक है ये कोबरा। इसका नाम है ना जा, ये तो कहेगा ही ना जा, लेकिन यहाँ से चले जाना है, कहाँ भाग जाना है, इसका नाम ही है ना जा, लेकिन भाग जाना है तभी भलाई है। अगर ना जा के चक्कर में रुक गए तो फिर चला जा एकदम से, ये खतरनाक टाइप का है। ठीक है, क्रैब बंगेरस। अगला सी स्नेक हाइड्रोफिस, वाइपर रसेली, सा स्केल्ड वाइपर एचिस एरिनेट ये है। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ छिपी हुई है, देखिए सामने आपके, द पॉइजन इंजेक्टिंग फैंग्स, जो इसके तीत होते हैं वो पॉइजन इंजेक्टिंग होते हैं, वो फैंग कहलाते हैं। आर मैक्सिलरी तीत, मैक्सिलरी तीत यानी ये मैक्सिलरी तीत होते हैं, मैक्सिला ऊपर वाला, ये ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिलरी तीत होते हैं ये पॉइजन इंजेक्टिंग फैंग, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं पॉइजन इंजेक्शन के लिए। ठीक है, यही चीज़ पॉइजनस स्नेक को खतरनाक बना देता है। और नॉन पॉइजनस स्नेक मुख्य रूप से हैं टाइफ्लोप्स, ब्लाइंड स्नेक इसका उपनाम है, कॉमन नाम है पाइथन, अजगर के नाम से जाना जाता है, एरिक्स डबल हेडेड स्नेक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, देखिए आपको मिला भी होगा अक्सर, ये मिल ही जाता है बेचारा, डबल हेडेड होता है, मतलब दो मुही इसको कहते हैं लेकिन होता नहीं है, ये फॉल्स रिसेम्बलेंस ऑफ हेड को प्रदर्शित करता है, झूठा हेड इसमें बना होता है पीछे लेकिन हेड होता नहीं है वो, लेकिन लोग डर जाते हैं दो मुहुआ है काट लेगा, खतरनाक है, जबकि ये खतरनाक नहीं है, नॉन पॉइजनस है, बेचारा बहुत सीधा साधा चुपचाप पड़ा रहता है। ठीक है, और क्या है, नाइट्रिक्स वाटर स्नेक, उपनाम इसका है वाटर स्नेक, एरिक्स डबल हेडेड या दो मुही इसको कहते हैं, टिफ्लोप्स जो है वो क्या है, ब्लाइंड स्नेक के नाम से जाना जाता है, पाइथन जो है अजगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, द फर्स्ट रेप्टाइल्स आर कॉल्ड स्टेम रेप्टाइल्स आर कार्टिलोसाउरस, मतलब जो पहली बार आए धरती पे ये इनके दादा परदादा वो क्या कहलाए, स्टेम रेप्टाइल्स या कार्टिलोसाउरस, जब वो बेचारे धरती पे आए तो स्टेम रेप्टाइल्स आर कार्टिलोसाउरस कहलाए। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये पॉइंट क्या कह रहा है, से मौरिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये बेचारी जो है ये फंस गई दोनों के बीच में, ठीक है। ये अधूरे अधूरे करेक्टर लेकर इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक हो गई, एक ब्रिज बना देती है, ब्रिज का काम करती है, कनेक्टिंग लिंक है इनकी। सेम ओरिया इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं।